विश्व प्रसिद्ध एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज भारी मात्रा में पकड़ी गई रीवा की नामी दुकानों में। एप्पल मोबाइल एसेसरीज खरीदने वालों के उड़े होश, पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। विश्व प्रसिद्ध एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज भारी मात्रा में पकड़ी गई। रीवा की नामी दुकानों में एप्पल मोबाइल एसेसरीज खरीदने वालों के उड़े होश, पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। जयपुर से एप्पल कंपनी की रीवा में दबिश, कई मोबाइल कंपनियों में कॉपीराइट का सामान पकड़ा गया। दुनिया के सबसे महंगे फोनों में से एक है एप्पल कंपनी के फोन। जी हाँ, मोबाइल फोन में सबसे महंगे एप्पल कंपनी के काफी समय से शिकायत मिल रही थी। रीवा में नकली एप्पल के मोबाइल व एसेसरीज बेची जा रही है। कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ आज एप्पल कंपनी की पूरी टीम रीवा में मौजूद थी। उन्होंने रीवा की कई दुकानों में सर्वे किया, जहां पर उन्हें अपनी कंपनी का नकली सामान बिकता हुआ दिखाई दिया। इस बात की शिकायत उन्होंने रीवा के सिविल लाइन थाने में की। सिविल लाइन पुलिस ने जयपुर की कंपनी से आई हुई टीम के साथ उन दुकानों में दबिश दी। दबिश में भारी मात्रा में एप्पल कंपनी के नाम से बेची जा रही सामग्री को पकड़ा गया। मोबाइल दुकानों में मची हड़कंप, कुछ नामी मोबाइल दुकानदार द्वारा शटर गिराते नजर आए। एप्पल कंपनी के द्वारा सामान को जब्त कर थाने पहुंचे। वहीं पुलिस ने बताया कि साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल, राजा मोबाइल द्वारा नकली एप्पल मोबाइल की सीरीज बेची जा रही थी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से रीवा शहर की नामी दुकानें हैं, दुनिया के सबसे महंगे फोन में से एक है एप्पल के फोनों को बेचा जा रहा था, उसको लेकर फोन खरीदने वालों के कान खड़े हुए हैं। उनको लग रहा है उन्हें शायद कहीं नकली फोन तो नहीं खरीद लिया। एप्पल के जयपुर ऑफिस को काफी दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी। उनकी कंपनी का फोन रीवा की कुछ दुकानों में सस्ते दामों में बिक रहा है, जबकि उनकी कंपनी के फोन सर्वाधिक महंगे दामों में बिका करते हैं। उनमें जो फीचर होते हैं वह आमतौर बाकी फोनों में नहीं होते। माना जा सकता है बड़े लोगों की पहली पसंद एप्पल फोन ही है। वही आजकल के युवा एप्पल के फोन को इसलिए भी रखते हैं, उनको लगता है उनका स्टेटस लेवल काफी बढ़ गया है इस फोन को रखने से। इसी के चलते पुख्ता सूचना के आधार पर जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम अपने जनरल मैनेजर के साथ रीवा पहुंची। उन्होंने पता किया उनको फोन कहां कहां बिक रहे हैं। उन्होंने एक टीम बनाई, उन दुकानों में वो लोग गए, उन्होंने उन फोन एसेसरीज की मांग की। जब उनने पुख्ता तरीके से कंफर्म कर लिया कि हमारे फोन यहां पर डुप्लीकेट बिक रहे हैं, हमारी एसेसरीज डुप्लीकेट बिक रही है, फिर इस बात की जानकारी उन्होंने रीवा पुलिस को दी। रीवा पुलिस उनके साथ पहुंच गई उन दुकानों में। देखते ही देखते एप्पल फोन के उन दुकानदारों तक पुलिस की टीम और एप्पल कंपनी की टीम पहुंच गई। जी हाँ, जहां पर एप्पल के नकली सामान बिक रहे थे। पुलिस के द्वारा जब इन दुकानों में दबिश दी गई तो एप्पल कंपनी के फोन तो नहीं मिले, लेकिन एसेसरीज भारी मात्रा में मिली है। पुलिस ने उन एसेसरीज को जब्त कर लिया है, कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने हमें क्या कुछ बताया। कल जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम आई थी, वहाँ के जनरल मैनेजर आए थे। उनने शिकायत की कि शिल्पी प्लाजा में तीन दुकानें हैं, साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल और राजा मोबाइल। ये लोग एप्पल का लोगो लगा के और फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर अपने स्टाफ के साथ दुकानों पर गए, उनका सामान वहाँ पर चेक किया गया। ये एक्सपर्ट थे, इनसे चेक कराया गया तो ये बताए कि सामान फर्जी है। तो वहाँ से सामान जब्त कर थाना लाया गया और इनके खिलाफ 63 कॉर्पोरेट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कायमी की गई है। और कुछ मोबाइल वगैरह, मोबाइल तो बरामद नहीं हुआ है, बाकी USB केबल, चार्जर अडॉप्टर, ईयरफोन, ईयरबड्स ये सब बरामद हुए हैं और लगभग 300 के पास कवर जब्त हुए हैं। मोबाइल कवर कितनी दुकानों पर, तीन दुकानों पर दबिश दी गई थी।